Assalamualaikum my YouTube family and welcome back to my channel again. तो आज है रिएक्शन वीडियो है फनी वीडियो कार्टून पर. इंडियन पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स पे क्या करते हैं. मेरे पेरेंट्स तो बहुत कुछ करते थे, आप लोगों के पेरेंट्स क्या करते थे देखते हैं. और मे बी ये वीडियो हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड हो, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, सबके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि पेरेंट्स बेशक चेंज हो लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स जो एक पेरेंट्स वाली होती है ना, वो दो सिमिलर हुई होती हैं सारे पेरेंट्स की, जैसे बच्चों की होती है. तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है. एनिमेटेड वीडियो है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो और रिएक्शन दोनों पसंद आएंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो वीडियो करती हूँ मैं स्टार्ट. है? क्या बोला? हाँ मैं जानता हूँ ये जो अभी हुआ ये तुम्हारे सर के ऊपर से गया. ऐसा ही सेम मेरे साथ भी होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में. टीचर्स मेरे पेरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे को कंफ्यूज करते हैं और मैं टीचर को कंफ्यूज करता हूँ. देखो यार, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा. तुम ये देखने के बाद अपनी मनपसंद गाली मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. एंड देखो मैं जानता हूँ मेरा ही पीटीएम ऐसा नहीं होता, तुम्हारा भी होता है. तुम्हारे भी पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं और यही बोलते होंगे, देखिए सर पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन पढ़ता नहीं है ना, वरना टॉप और पेरेंट्स अपने लिए एक ऐसी चीज थी जो साल में दो बार होती थी तो अपने को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. लेकिन अब ये हर महीने होता है और पता नहीं क्यों एग्जाम नहीं दे रहे तो भी होता है, जिसकी वजह से डर कभी खत्म ही नहीं होता हमारे अंदर. पहले हम एक ट्यूशन वाले बच्चों के साथ भी यही होता है, छीन लेते थे. लेकिन अब डर लगता है कि ये टीचर्स जो है ये कुछ भी बोल देंगे पेरेंट्स मीटिंग में. जैसे हमने चुराई तो लॉलीपॉप है, बट ये हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे पता आपके बेटे ने इस बार क्या किया है, इसने एक परिवार से उसका बुड्ढा छीन लिया. वो देखो वो रहा वो बुड्ढा. जब मैं प्राइमरी में था ये टीचर्स कुछ भी बोल देते थे. सर क्या आपका बेटा डिस्कवरी चैनल देखता है? हाँ देखता है ना. तो सर ये स्मार्ट क्या? और अब सेकेंडरी में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हो उनमें टीचर बोलते हैं सर क्या आपका बेटा फोन चलाता है? हाँ चलाता है ना. तो सर पता नहीं इन टीचर्स को क्या दिक्कत हो जाती है हमारे फोन चलाने से. फोन में यार अच्छी अच्छी सीरीज देखते हैं, काफी नॉलेज भी मिलती है. जैसे मीटिंग के बाद रात को तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, टीचर्स जैसे ही तुम्हारे कांड पापा को सुनाते हैं वो टाइम बॉम्ब बन जाते हैं और तुम्हें ऐसा एक्ट करना होता है तुम्हें कुछ नहीं पता. और जब माहौल इतना गर्म हो रहा होता है तभी तुम्हारा एक दोस्त आता है. अरे भाई रसगुल्ला खाएगा क्या? पापा एक काम कर ये रसगुल्ला. फिर तुम्हारे ऐसे जोकर जैसे दिखने वाले दोस्त से तुम वो रसगुल्ला लेते हो और अपने घर जाते हो. फिर तुम्हारे साथ बैंग बैंग होता है और नेक्स्ट डे तुम स्कूल आते हो तुम्हारा मुंह फुला हुआ होता है और तुम्हारा दोस्त बोलता है अरे भाई ये तेरे मुंह को क्या हुआ. देखो तुम इस चेयर पे मत जाना, ये जानता है कि तुम्हारे साथ ऑपरेशन ओवरड्राइव हो गया. और इस जैसे और भी बच्चे होते हैं, जैसे एक ऐसा बच्चा जिसके घर तुम रोज जाते हो क्योंकि वो तुम्हें खुद बुलाता है टाइम पास करने के लिए. तुम उसके घर में जाते हो, गेम्स खेलते हो, स्नैक्स खाते हो, बट पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो तुम्हें हल्ला हल कर देता है. बेटा तुझे मार्क्स क्यों नहीं आते? पापा इनकी वजह से. बेटा तू इतना शैतान क्यों है? पापा इनकी वजह से. बेटा तेरे से बंदी क्यों नहीं पट रही? पापा इनकी वजह से. सारी गलती हमारी क्योंकि हमें बुला लेते हैं और हम चले जाते हैं. एक दोस्त ऐसा होता है. मेरी वजह से खराब कैसे हो रहा है? मैं तो बस स्नैक्स खाने के लिए जाता हूँ. हाँ वही तो. और पता नहीं क्यों अपना जो स्मार्ट बंदा होता है उसको कोई भी टीचर कुछ नहीं कहेगा पेरेंट्स की मीटिंग में. और ये स्मार्ट बंदे अगर पेरेंट्स की मीटिंग में किसी का मुंह भी तोड़ देना तो भी सर को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्मार्ट है. ये स्मार्ट है इसलिए ये गलती कर सकता है. पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक बहुत बड़ी अच्छी है जिसके साथ तुम भी अग्री करोगे, वो ये कि टीचर्स मीटिंग में बड़ी स्पीड से बात करते हैं जिसकी वजह से हमें चांस मिल जाता है मिडिल पर्सन बनने का, यानी ट्रांसलेटर बनने का, और आधी चीजें हम इधर की उधर कर देते हैं. देखो मैंने तो अपने मार्क्स बड़े बड़ा चढ़ा के बताए ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे. कैसा पढ़ते थे देखो, इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, सर्वर फोड़ते हैं सर कैसे बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी खेलते रहता है. ये बोल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में मैंने टॉप किया है. हाँ ऐसे ही करता था मैं और मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा ही मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर से मिलना चाहते थे. तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट टीचर से मेरे पेरेंट्स मिलने वाले होते मैं कुछ ना कुछ कर देता था जिसकी वजह से वो ना मिल पाए. डैड मैथ्स मैम नहीं आई, चलो हिंदी मैम से मिलते हैं. अब तुम मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कंबल उड़ के फैन ऑन करता है.
ऐसा करना लीगल तो है ना। एंड पता है क्या, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के पहले मैं ही क्या, सारे के सारे बच्चे अपने ऊपर बनने वाले सारे अफवाहें बंद करवा देते हैं, होमवर्क टाइम पे करने लग जाते हैं ताकि बच सके, और सरप्राइज टेस्ट के लिए ऐसे रेडी रहते हैं जैसे फाइनल एग्जाम के लिए भी नहीं। इवन पीटी पीरियड्स में भी टीचर्स के साथ चिपकना पड़ जाता है बचने के लिए। पीटी हमारे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं तू मक्खन तो नहीं लगा रहा? और यही पे तुम खत्म, टीचर्स तुम्हें यूज कर लेंगे एंड एट द एंड हलाल करेंगे। तैयार है। सो वीडियो यहीं पर एंड होती है, काफी फनी थी। और मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था कि मेरी मम्मी जाके खुद कह रही होती थी कि ये पढ़ती नहीं है, ये नलायक है, इसको कुछ आता नहीं है। और जो है इवन जब मैं पास हो गई, मैंने टॉप कर लिया, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि सारे बच्चे क्लास के नालायक होंगे इसलिए इसने टॉप किया, इसने अपनी मेहनत से टॉप नहीं किया। मतलब उनको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा था कि भाई मैंने टॉप किया है। तो ऐसे फनी मोमेंट आप अपना एक्सपीरियंस में मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता था। मेरी जो स्कूल पेरेंट टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती थी वहाँ पे ज़्यादातर तो मेरे पेरेंट्स जाते ही नहीं थे, मतलब 99% होता था कि वो जाते ही नहीं थे, 1% होता था कि वो जाते तो मतलब कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि वो गए होंगे और उन्होंने शिकायत लगाई होगी, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ मैंने ज़्यादातर फेस नहीं की। अगर आप लोगों का कोई फ़नी मोमेंट है या फिर इससे रिलेटेड कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।